The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जी हमारे, उनको कोरोना पॉजिटिव आ चुका है, कोविड पॉजिटिव। कोई नई न्यूज नहीं है, आप लोगों को आप जानते हैं इस बारे में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्यों अमिताभ बच्चन जी को कोरोना हुआ हो सकता है और क्यों वो एक हाई रिस्क केस है, क्यों उनकी बीमारी फिलहाल जो माइल्ड है उसको निगरानी में रखना बहुत जरूरी है। उनके चाहने वाले जितने भी हम जैसे लोग हैं उन सब के तरफ से ये डिमांड आई थी कि इस वीडियो को बनाया जाए, इसलिए आपके सामने हम ये सारी बातें रख रहे हैं। सबसे पहली बात, कोविड पॉजिटिव होना आज के डेट में बहुत आम बात है, तो ये हर एक उस इंसान के लिए कोई डरने वाली बात नहीं है जिसको भी कोरोना पॉजिटिव है। ये क्या झलकाता है कि अगर अमिताभ बच्चन जैसे हमारे इतने सीनियर और इतने बड़े लोगों को, जिनके पास किसी चीज की सुविधा की कोई कमी नहीं है, अगर उनको कोरोना पॉजिटिव आ सकता है तो आपको भी आ सकता है। नंबर दो, उनकी उम्र देखिए, उनकी एज, क्यों वो हाई रिस्क में है। एक उनकी उम्र है जो उनको हाई रिस्क में ले जाती है। एज ज्यादा होते, जितनी ज्यादा एज होती जाएगी रिस्क बढ़ता है। नंबर दो, उनको पहले से अस्थमा की बीमारी है, थोड़ा रिस्क वो बढ़ाता है। उनको लिवर की बीमारी हो चुकी है, हेपेटाइटिस बी हो चुका है, उनको टीबी हो चुका है। ऑल्दो ये टीबी फेफड़ों वाला नहीं था, पेट का टीबी था, फिर भी इतनी सारी बीमारियों के चलते उनके शरीर को हाई रिस्क माना जा सकता है। ऐसे सिचुएशन में साथ में पॉजिटिव उनके बेटे के से ज्यादा जरूरी है उनके ऊपर उनका ऑब्जर्वेशन। अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि उनकी बीमारी माइल्ड है, माइल्ड बीमारी, हो सकता है उनके फेफड़ों में कोरोना हो ही ना, एक्स्ट्रा पल्मोनरी कोरोना कोविड हो। एक्स्ट्रा पल्मोनरी यानी आउटसाइड द लंग्स, आउटसाइड द लंग भी होता है जिसमें माइल्ड बीमारी होती है, जिसमें हो सकता है आपको 80% कोई सिम्टम ही ना हो, कोई लक्षण ना हो, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत डायरिया हो एक दो दिन के लिए, कुछ दिनों के लिए हो सकता है, वो भी माइल्ड है। अगर आपको गला खराब हो रहा है, गले में खराश हो रही है, थोड़ी खांसी आ रही है, वो भी माइल्ड है। अगर आपको सांस थोड़ा बहुत फूल रहा हो और सैचुरेशन नॉर्मल है तो भी माइल्ड है, ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल है तो भी माइल्ड है बीमारी। अगर आपकी सेंस ऑफ स्मेल, टेस्ट चला जाए वो भी माइल्ड है, वो तो बिल्कुल माइल्ड है। अगर आपको लिटरली निमोनिया भी हो जाए लंग्स के अंदर सीटी स्कैन में, एक्सरे में निमोनिया भी आ जाए लेकिन ऑक्सीजन लेवल आपका नॉर्मल है तो भी माइल्ड है। तब आपका चलने फिरने से देखा जाता है कि चलने पर क्या आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है या नहीं। यही चीज उनके साथ होगी। अस्पताल के अंदर ऑब्जर्वेशन में उनका सैचुरेशन लेवल चेक किया जाएगा और उनके, क्योंकि उनका हाई रिस्क केस है उम्र के वजह से, दूसरी बीमारियों के वजह से, तो उनके टेस्ट रोजाना किए जाए। रोज के टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट जो हमने आपको पहले बताया, CBC, ESR, HSCRP, D-dimer, procalcitonin, IL-6 levels, right? Serum ferritin, cortisol levels, हो सकता है तीसरे दिन में सबसे जरूरी आ जाता है सीटी स्कैन। कई लोग पहले दिन कराते हैं क्योंकि हो सकता है पहले दो दिन मिस किए हो, पहले दो दिन लक्षण हमने छोड़ दिए हो, तीसरे दिन चौथे दिन में सीटी स्कैन में सबसे ज्यादा चेंजेस आते हैं। सीटी स्कैन क्यों कराया जाता है? सीटी स्कैन कराया जाता है फेफड़ों में, लंग्स में कितने पैच है, लंग्स के अंदर कोरोना है नहीं है, है तो कितनी जगह है। जितने ज्यादा पैच होंगे उतना ज्यादा सीरियसनेस आ सकता है, जितने ज्यादा पैच उतना ऑब्जर्व करना होगा, उतना रेगुलर ट्रीटमेंट देना होगा, जितने बड़े पैच उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देना होगा। कब तक बीमारी को माइल्ड माना जाता है, याद रखिए, हमने आपको बताया किसी भी प्रकार के सिम्टम हो आपको, बुखार है, सर्दी खांसी है, बलगम है, गले में खराश है, खांसी है, सेंस ऑफ स्मेल टेस्ट खराब हो गया, पेट में डायरिया हो गया, बॉडी एक हो गया, हेडेक हो गया, आंख लाल हो गई, सारे माइल्ड सिम्टम्स है, ऑल आर माइल्ड। सीरियस यानी कि सिवियर, मॉडरेट टू सिवियर केस किसको बोलते हैं? सीरियस केस उसको कहते हैं जब आपका ऑक्सीजन लेवल्स, जब आपके लंग में, ओनली वे कोविड, कोरोना डेडली हो सकता है, ये दो ही कारण से है। नंबर एक, अगर आपके फेफड़ों में निमोनिया बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाए, यानी कि अगर निमोनिया यानी लंग खराब हो रहे हैं, लंग के अंदर पैचेस हो रहे हैं, लंग इन्फेक्ट हो रहे हैं, वो वायरस के वजह से या आपके इन्फ्लामेशन, आपकी बॉडी के
साइटोकाइन स्टॉर्म के वजह से लंग में इश्यू आ रही है, तो लंग अपना काम नहीं कर पाएंगे, तो आपके शरीर में उंगलियों तक उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा जितना पहुंचना चाहिए, रेस्टिंग स्टेट में ही नहीं पहुंच पाएगा, और उससे पहले इनिशियली चलने फिरने पे, जब आप अपने बॉडी को चैलेंज करते हैं 6 मिनट 10 मिनट वॉकिंग करते हैं, वॉकिंग पर एक्सर्शन पर एक्सर्शनल डिस्निया यानी एक्सर्शन पे सांस फूलने लगेगा, एक्सर्शन पे ऑक्सीजन सेचुरेशन 4 या 6 से गिरेगा, 4 या 6 से गिरेगा मतलब लंग्स पे निमोनिया हो रहा है, दिक्कत बढ़ने वाली है। उसी समय अगर आपके सारे टेस्ट आ जाएं, टेस्टों में सीटी स्कैन में गड़बड़ दिख रही है, IL-6 बड़ा हुआ है, फेरेटिन लेवल्स बड़े हुए हैं, आपका CRP लेवल 10 या 100 से ज्यादा है, 10 से ज्यादा रिस्क है, 30 से ज्यादा हाई रिस्क है, 100 से ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा क्रिटिकली रिस्क है, ऐसे सिचुएशंस में आपको लो मॉलिकुलर वेट हेपरिन देना होगा, क्योंकि दो रिस्क है यहाँ, एक इन्फ्लेमेशन का लंग के, और दूसरा रिस्क है हाइपर कोएगुलेबिलिटी का, शरीर के अंदर खून के क्लॉट बनने का रिस्क होता है, ऐसे केस में बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि अमिताभ बच्चन जी को हो सकता है लो मॉलिकुलर वेट हेपरिन यानी खून पतला करने की दवा दी जानी पड़े, हो सकता है दी जा रही हो, हम नहीं जानते, हो सकता है उनको स्टीरोइड्स देना पड़े अगर उनके लंग के सीटी स्कैन में पैचेस ज्यादा आते हैं, अगर उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम होना शुरू हो जाए। याद रखिए, बीमारी कोरोना की बीमारी किसी को भी हो सकती है, बीमारी में हर एक को कोई जानलेवा बीमारी नहीं होने वाली, कोविड में रिकवरी इज अ रूल, हाई रिस्क केसेस में देयर इज अ चांस कि हो सकता है आपकी बीमारी बढ़ जाए, लेकिन उस समय समय पर अगर आपको जांच मिल जाए, सही समय पर इलाज मिल जाए, अगर आपके लंग्स में इंफ्लामेशन बढ़ रहा है, आप माइल्ड से सैचुरेशन कम हो रहा है, चाहे चलने फिरने पे आपका 4-6 से कम हो रहा है, या बैठे बैठे आपका सैचुरेशन 90 से कम होते जा रहा है, 94 से कम हो रहा है, 90 हो रहा है, 87 हो रहा है, 85 हो रहा है, दैट मींस आपकी आपकी दिक्कत बढ़ रही है, उसी समय आपको स्टीरॉयड मिल जाए, एंटीवायरल मेडिकेशंस मिल जाए, लो मॉलिकुलर वेट हेपरिन मिल जाए, ऑक्सीजन सपोर्ट मिल जाए, ये देखना होता है निमोनिया हुआ तो कितना हुआ, उसके बाद ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है मतलब क्या, यानी ऑक्सीजन से आपका ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल वापस 95 के ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा, 95-99, अगर आपको माइल्ड ऑक्सीजन चाहिए, लो फ्लो 2 लीटर ऑक्सीजन से ही आपका आ जा रहा है, यू आर ओके, हाई फ्लो चाहिए 4 लीटर 6 लीटर ऑक्सीजन चाहिए आपको तो भी ओके, या फिर आपको उससे भी आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं हो रहा, तो नॉन इन्वेजिव आपको यानी प्रेशर से ऑक्सीजन दिया जाना पड़ सकता है, और फिर भी नहीं हो रहा तब वेंटिलेटर पे जाना पड़ सकता है, इन सब से बचाया जा सकता है अगर समय पे आपको एंटीवायरल मेडिकेशंस, स्टेरॉइड्स, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन दे दिए जाए। याद रखिए, इसमें माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में आपके पास फैबी फ्लू है, सीरियस केसेस में रेमडेसिविर के इंजेक्शन हैं जो डॉक्टर्स आपको हॉस्पिटल में देते हैं, स्टीरॉइड्स लो डोज स्टीरॉइड्स ओपीडी बेसिस पे भी दिए जा सकते हैं, या फिर हाई डोज स्टीरॉइड्स हॉस्पिटल में दिए जाते हैं, उसके अलावा फ्लूइड रिससिटेशन, ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन जो दिया जाता है ट्रीटमेंट, ये किया जाता है, तो यही सारी चीज अमिताभ बच्चन के साथ इलाज होगा। उनकी बीमारी कहा जा रहा है कि उन्होंने 10 दिन पहले एक डबिंग स्टूडियो में वो गए थे, जो हो सकता है सोर्स हो, क्योंकि डबिंग स्टूडियो एक क्लोज जगह होती है जहां पर वेंटिलेशन नहीं होता, ऐसे कोई भी जगह जहां क्लोज है वेंटिलेशन नहीं है, वहां पे जो अगर एक भी पेशेंट आ जाता है और वो खांस देता है, बोल देता है, बोलता भी है, ख भी बोलता है, तो वो खांसी का उससे एरोसॉल्स जनरेट हो जाते हैं, वो काफी देर तक वहां पे घूम सकते हैं क्योंकि वहां वेंटिलेशन नहीं, और वहां एक भी पेशेंट है और दूसरे लोग आ गए तो उनके अंदर आराम से जा सकता है, और उस एक भी पेशेंट से घर में फैल सकता है, अपने घर में आसपास जो भी रह रहा है उसको फैल सकता है, तो ऐसे में हर वो इंसान जो ऐसे पेशेंट के आसपास रहा हो जिसका कोविड पॉजिटिव है, जैसे अमिताभ बच्चन जी के पास अगर कोई पिछले 10 दिन में आधे घंटे से ज्यादा रहा है, वो हाई रिस्क है। पिछले 10 दिन में अगर कोई अमिताभ बच्चन जी के पास आधे घंटे से ज्यादा रहा है, वो हाई रिस्क है, तो उसको भी कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, इसीलिए अमिताभ बच्चन जी के फैमिली में ऐश्वर्या राय, अमित उनके बेटे और आराध्या, वो भी पॉजिटिव आए हैं, तो ये सब पॉजिटिव आए हैं, हो सकता है जया जी भी पॉजिटिव आ जाएं, ये रिपीट टेस्ट की बात होती है, कई बार टेस्ट नेगेटिव होते हैं, याद रखिए एंटीजन टेस्ट 50% नेगेटिव होता है, यानी 50% केसेज जिनमें पॉजिटिव होगा फिर भी नेगेटिव आएगा, RT-PCR 30% केसेज में पॉजिटिव के बावजूद नेगेटिव आएगा, इसीलिए सिम्टम देखे जाते हैं, रिपीट टेस्ट बहुत जरूरी होता है, और क्लोज कॉन्टैक्ट है तो आपके चांसेस ज्यादा है, आपको 5 दिन ऑब्जर्वेशन में रहना होगा, और खुद सेल्फ क्वारंटाइन कम से कम 10 से 14 दिन रहना चाहिए। अगर कोई 30 मिनट के लिए लास्ट 10 दिन में अमिताभ बच्चन के पास आए हैं,
दूं, अगर कोई 30 मिनट के लिए लास्ट 10 दिन में अमिताभ बच्चन जी के पास आए हैं वो हाई रिस्क हैं, उनको चांसेस बहुत ज्यादा है। कोई 10 मिनट से ऊपर उनके पास आए हैं तो मॉडरेट रिस्क है, और सिर्फ 10 मिनट से लो उनके आसपास रहे हैं तो लो रिस्क है। तो आगे क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन बहुत उम्मीद है कि अमिताभ बच्चन जी के सारी परिवार इस बीमारी से हफ्ते भर के अंदर ठीक हो जाएंगे। सही इलाज अभी है दुनिया में, सही इलाज हमें पता है, तो हॉस्पिटल में और सही इलाज समय पे मिल जाने पे किसी की जान नहीं जानी चाहिए। ये वीडियो जरूर आगे पहुंचाइए लोगों के पास, डर निकल जाएगा लोगों के पास से कि भाई जब उनको हो सकता है तो आपको क्यों नहीं, और जब वो ठीक हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं। सो सब ठीक हो सकते हैं, सब बीमार हो सकते हैं, लेकिन ये बीमारी है, इसके साथ आपको जीना होगा। प्रिवेंशन इज द की। रिमेंबर प्लीज शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, दिस इज डॉक्टर परमजीत। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।